भारतीय जनता पार्टी में पर्दे के पीछे बहुत से नेता होते हैं जो कि बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे होते हैं और वो थिंक टैंक कहलाते हैं। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी मौजूद हैं। और विनय जी बीजेपी के चुनिंदा थिंक टैंक में ही शुमार है जो कि कहीं ना कहीं नई दिशा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और एक संगठन की एक नई गोद खड़ी करते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि मौजूद लोकसभा चुनाव का ही है, अब इलेक्शन लगभग हम बीच में आ गए हैं और ऐसे में अब क्या नज़र आता है, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा या बीजेपी अपने अकेले दम पर सरकार बना लेगी? देखिए, एनडीए को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और उसके तीन कारण मुझे नज़र आ रहे हैं जी। पहली बात यह है कि पहली बार 5 साल देश ने एक ऐसी सरकार देखी है जो स्थिर थी, जो भ्रष्टाचार से पूर्णतः अलिप्त थी और जिसने जो विकास की बात हम करते हैं उसको लोगों के अनुभव का हिस्सा बनाया। विकास की बात तो हमेशा होती रही मगर वो लोगों के अनुभव का हिस्सा कम बार बनी जी। इस बार देहात में जाओ तो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर दिखाई देते हैं, महिला को पूछो तो उज्ज्वला का लाभ मिला है ये बताती है, गरीबों में जाओ तो वो कहते हैं कि जनधन के हमारे खाते खुल गए हैं। तो विकास को जमीनी धरातल पर लाने में ये सरकार बहुत अधिक मात्रा में सफल हुई है और इसलिए ये एक पहला कारण है। दूसरा है इसके नेतृत्व की जो ताकत है, नेतृत्व में एक निर्णायकता होनी होती है, एक निष्ठा इंटेग्रिटी ये होना जरूरी होता है। ये भी मोदी जी के कार्यकाल में, मोदी जी के व्यक्तित्व में लोगों ने पाया है जी। और तीसरा है कि उनकी कार्यक्षमता, जिस पद्धति से वो जवाबदेही और पारदर्शिता के आधार पर सरकार को गति दे रहे हैं और जनतंत्र एक दृष्टि से हमें डिलीवरिंग पोजीशन में आया हुआ दिखाई देता है, वो भी एक कारण है कि लोगों को इसी सरकार को पुनः सत्ता में बहाल करने में बहुत रुचि है। और तीसरी एक बात है, जो मौजूदा राजनीतिक वातावरण है उसमें एक बहुत सा बिखराव भाजपा को छोड़ के सारे दलों में है, मतलब एनडीए को छोड़ के, और वो लोग इकट्ठा आ पाएंगे, सरकार दे पाएंगे, नेतृत्व दे पाएंगे, जमीन बना पाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ कि हमारे दल के हमारे सारे नेता, कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष विकास की राजनीति की बात करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मुझे एक राजनीतिक दल बताइए बीजेपी को छोड़कर जो ये कहने का साहस रखता है कि हमारे किए हुए काम के बल पर हमें वोट दीजिए। तो ये सारे कारण अंततोगत्वा बीजेपी को विजय दिलाने में सफल हो जाए। लेकिन जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और जिसकी आप बात कर रहे हो, जो आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए जो काम देश में 5 साल में हुआ, लेकिन इलेक्शन उसके बाद में हम देखते हैं कि जिस जगह पर जाकर टिक रहा है वो कहीं ना कहीं सेना का पराक्रम है या राष्ट्र के मुद्दे हैं, या हम यहाँ तक बात आ रही है कि अगर देश को बचाना है तो फिर मोदी जी को वोट देना है, तो ये हम ऐसा विकल्प क्यों खड़ा कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद मतलब बीजेपी, अदरवाइज कुछ भी? देखिए, ये कोई इसी बार हो रहा है ऐसा नहीं है। जब कारगिल का चुनाव हुआ तब भी वातावरण, कारगिल का संघर्ष हुआ, उसके बाद चुनाव हुआ तो वातावरण यही। 71 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ और उस समय की लोकसभा की मुदत 72 में समाप्त होने वाली थी, श्रीमती गांधी ने चुनाव को एडवांस कर लिया और एक साल पहले चुनाव किया, तब भी तो यही वातावरण था जी। तो देखिए, राष्ट्रवाद और विकास ये दो बिंदुओं को आप अलग नहीं कर सकते जी। आखिर राष्ट्र है तो विकास है जी। और विकास है इसीलिए राष्ट्र का सम्मान है जी। अगर दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है तो उसका कुछ न कुछ कारण विकास से भी तो जुड़ा है। और अगर पाकिस्तान के साथ जो भी वारदातें हुई जी, उसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अगर भारत का साथ दिया तो उसका कोई कारण है ना जी। कि भारत की अर्थव्यवस्था तगड़ी हो गई, भारत ने विकास के पैमाने पर काफी आगे बढ़ गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कारण यहाँ सेक्स रेशियो का संतुलन ठीक करने में काफी मदद हुई। तो विकास और राष्ट्रवाद ये कोई अलग बिंदु थोड़ी है जी। जिस तरीके से अगर जो दिख रहा है अभी, कल की जो मायावती की स्पीच थी, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और
इसके पीछे के भी जो इसके पहले भी उनके कुछ इंडिकेशन है, अगर एनडीए पूरे नंबर के साथ नहीं आएगा तो क्या दूसरे दलों के साथ कोई गुंजाइश बनती है? और इसमें मैं बसपा और बीजेपी की बात खास, देखिए अभी इस विषय में बोलने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं, ये तो ऐसा है कि परिस्थिति क्या बनती है उसके आधार पर और वो क्या सोचते हैं इसके आधार पर। हमने इतिहास में ये देखा कि लोग अपनी राजनीतिक जो भी हिसाब किताब की पद्धति उनकी होती है उसके गणित ठीक करने के लिए हमारा साथ देते हैं कभी छोड़ भी देते हैं। क्या एक जमाने में तृणमूल कांग्रेस एनडीए के साथ नहीं थी? जरूर थी। क्या एक जमाने में नीतीश कुमार जी हमारे साथ छोड़ नहीं चुके थे? चुके थे, बावजूद वापस आ गए। नीतीश जी के साथ साथ हमारे टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू पहले साथ थे, फिर बिछड़ गए, फिर आए, फिर बिछड़ गए, और ये सारे निर्णय उन्होंने किए हैं, तो ये उनकी स्वतंत्रता रहती। आसाम गण परिषद साथ में रही, फिर बिछड़ गई, फिर आ गए, तो जो उनके गणितों के अनुसार चलता है। हमारा तो नारा एक ही है, सबका साथ सबका विकास। मतलब कहीं रास्ता खुल सकता है आगे अगर कुछ लोग नहीं जानता, वो तो उन पर, ये तो सवाल आपने उनको पूछना चाहिए कि क्या उनके सामने ये विकल्प है या नहीं है जी। हम तो देश विकास के, हमारे सबका साथ सबका विकास के एजेंडे को जो सहयोग करेंगे उनकी मित्रता तो हम चाहते ही चाहते हैं। हमें अपने बल पर पूर्ण बहुमत मिला था, बावजूद इसके हमारे सारे मित्र दलों के प्रति हम कृतज्ञ रहे, उनके भी प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में सहभाग दिया। मध्य प्रदेश के आप इंचार्ज हैं और आपने पूरे इलेक्शन को, इसके पहले भी विधानसभा, और लंबे समय से आप पार्टी को यहाँ पर डील कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 2014 में तो आप अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन पर थे, 27 थे, 26 थे, फिर 27 थे, फिर 26 हो गए, अभी आपको लगता है कि आप इसको उस प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे या कुछ कमी आएगी? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप में दोहरा पाएंगे। वातावरण जैसे जैसे चुनाव की तिथियां सभी पाती रही है वैसे वैसे पूरा हमारे लिए अनुकूल हो रहा है, और मध्य प्रदेश के बारे में विशेष रूप में विधानसभा से भी हमारी परफॉर्मेंस अधिक अच्छी रहने का एक कारण है कि यहाँ कमलनाथ जी की सरकार है। कमलनाथ जी की सरकार ने जितने वादे किए एक भी वादा अमल में नहीं आया, और लोगों के मन में उसके बारे में बहुत बड़ा खौफ है, आप भी जानते हैं। दूसरी बात है कि जिस पद्धति से कमलनाथ जी की सरकार ने बहुत सस्ती राजनीति की, बहुत लोक लुभावन वादों के मोह में वो आ गए, आपको याद होगा उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा कि हम सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को भी समाप्त करेंगे जी। केवल इतना भी नहीं, लोक लुभावन कारणों से उन्होंने लगभग, और स्वयं शिवराज जी कहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का बाजार खोल दिया है। एक एक व्यक्ति सुबह रतलाम में होता है तो दोपहर में मंदसौर में ट्रांसफर होती है उसकी जी। ये कोई तरीका है? तो इनकी सरकार मात्र 4 महीने में भ्रष्टाचार, कुशासन और भाई भतीजेवाद का प्रतीक बन गई है, और यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से चरमराई। लेकिन उन सबके बावजूद सबसे बड़ी बात ये है कि टिकट जिस तरीके से बटे उसमें काफी नाराजगी निकल कर आई है, और एक सीट पर तो आपके जो सिटिंग एमपी हैं वो खुद बागियों के चुनाव लड़ रहे हैं, एक पे जो है पूर्व विधायक है वो समाजवादी पार्टी में चले गए, तो ये जो डेंट लगेगा आपको नहीं लगता इसका कुछ लॉस हो सकता? नहीं, देखिए जिनको राजनीति लंबे समय के लिए करनी है और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में खड़ा करना है, उनके सम्मुख ये चुनौतियां हमेशा रहती है। कोई एक चुनाव क्षेत्र एक व्यक्ति ने लड़ा तो वो बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे को दो, या केवल उसी को दो, या उसकी पत्नी को दो, ऐसी सूबेदारी सिस्टम कुछ राजनीतिक दलों में रही। हमारी राजनीति इस पद्धति से काम नहीं करती, हमारा दल इस पद्धति से काम नहीं करता, तो उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर जो आकलन बनता है उसके आधार पर टिकट का वितरण होता है। संगठन से कुछ मत आते हैं, कुछ हमारे सर्वेक्षण के माध्यम से आते हैं, बाकी लोग हैं उनसे भी हम सलाह मशवरा करते हैं, तो इसके आधार पर निर्णय होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। अभी किसी को पसंद नहीं आता तो कोई बगावत का झंडा फहराता है, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद कुछ लोग रुकते नहीं और वापस नहीं लेते, मगर ये होना स्वाभाविक है क्योंकि हम केवल मात्र घराने के आधार पर, केवल मात्र किसी नेता उसको सूबेदार के रूप में देख रहा है तो उसको खुली छूट देनी चाहिए, इस सिद्धांत के आधार पर टिकट का वितरण नहीं करते। और वैसे भी जो पार्टी विजयी होती है बगावत सामान्यतः उसी में,
लेकिन कई सारे जो बिग फेसेस थे जो कि पिछले चुनाव में थे और उनका असर न केवल उनकी सीट पे बल्कि बाहर भी था, तो कई और कुछ ने कहा कि वो लड़ना नहीं चाहते, कुछ को आपने नहीं लड़ाया, सुमित्रा महाजन ने, सुषमा स्वराज, तो ऐसी उनकी जगह दूसरे चेहरे आए, वो बहुत नए हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत आसान जो सीटें थी वो मुश्किल हो गई है बीजेपी के लिए? ऐसा कहना ये बहुत ही ऊपरी उपसतही तौर पर यह आकलन है। देखिए, ये पार्टी जैसे मैंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टी है। क्या इसी पार्टी में हमने नानाजी देशमुख को नहीं देखा कि जिन्होंने 60वें साल में खुद को अपने आधार, मतलब अपनी सोच के आधार पर निर्णय कर लिया कि मैं अभी निवर्तमान हो जाऊंगा? ये वही पार्टी है कि जिसमें एक निरंतरता भी है और एक परिवर्तन भी है। तो सारे लोग पुराने कोई घर बैठे ऐसा तो नहीं है, उन्होंने विड्रॉ किया ऐसा भी नहीं है। तो कई लोग हैं, कई लोगों में परिवर्तन आ रहा है। आखिरकार पुराने लोग जिनकी आयु हो जाती है वो जब तक दूसरों के लिए अवकाश नहीं बना देते तो युवा नेतृत्व तो सामने कैसे आएगा? और इसलिए ये एक हमारी संस्थागत एक दृष्टि से सोच है जो हम जमीनी धरातल पर भी उतारने में काफी सफल हुए हैं। और ये होना चाहिए, हमारा संगठन ऐसा कोई मोरीबंड संगठन नहीं है, ये एक जीवमान संगठन है और किसी घराने के लिए नहीं, सिद्धांत के लिए काम। एक बात जो कई बार आती है, अभी पिछले दिनों से बहुत ज्यादा आ रही है कि लोकसभा के चुनाव के बाद में मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाएगी, क्या आपको लगता है इसी की कोशिश होगी? ये भविष्यवेत्ताओं के लिए ये सवाल है, मैं कोई उस पद्धति की भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा, मगर ये बात सही है कि मध्य प्रदेश की जनता एक पछतावे के मूड में है और उनको लग रहा है कि अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हमारे मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हमने अपदस्थ तो नहीं करना चाहिए था। ये जनता के मन में भाव है, अभी वो भाव चुनाव के द्वारा भी अभिव्यक्त होगा और कई लोगों के मन पर उसका प्रभाव भी पड़ सकता है। तो क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, ये मैं नहीं बता सकता, मगर निश्चित रूप में मध्य प्रदेश की जनता पिछले 4 महीनों के अनुभव के बाद विधानसभा में हमने जो जनादेश दिया उसके लिए एक दृष्टि से पश्चाताप की मुद्रा में आ गई। मायावती ने जो कल कहा है कि कांग्रेस को खामियाजा भुगतना होगा और उनका जो ट्वीट था वो भी कहीं संकेत दे रहा है कि वो सपोर्ट वापस लेंगे, और अगर ऐसी स्थिति में अस्थिरता आई तो क्या बीजेपी के पास भी तो नंबर अच्छे खासे हैं? देखिए, आखिरकार लोग चुनाव में हिस्सा लेकर चुनकर देते हैं, वो तो स्थिर सरकार के लिए देते हैं ना जी। तो एक सरकार अस्थिर होती है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरी कोई सरकार बनी नहीं सकती, तो हो भी सकता है, मगर इस संदर्भ में अभी कुछ कहना उचित नहीं है, चुनाव के बीचों बीच हम हैं। मगर मैं ये निश्चित रूप में कहता हूँ कि देश की जनता जैसे ऊपर मोदी जी का नेतृत्व चाहती है, वैसे इस प्रदेश की जनता इस राज्य में भाजपा के नेता के रूप में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में चाहती है। जो लैंग्वेज है इलेक्शन में जाके, और इस बार देखा कि बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट गई और इलेक्शन कमीशन को कई बार बैन करना पड़ा, कई सारे लीडर को, मतलब पार्टी से बाहर जाके बात हो रही, आपको नहीं लगता कि जो 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 भाषा होनी चाहिए वो धीरे धीरे गिर रही है उसका स्तर? देखिए, हमारी पार्टी की सोच एक गरिमापूर्ण कैंपेन के प्रति प्रतिबद्धता की है और इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे फिसलन हो, और अगर किसी के होती है कानून अपनी जगह है, वो काम करेगा। पार्टी के अंदर भी कोई एक करेक्टिव का मैकेनिज्म होता है, उसके लिए बहुत प्रकट रूप में कुछ कहने की जरूरत नहीं, मगर होता है, जरूर होता है। और अगर इतिहास में हम जाए तो हर चुनाव में हमें लगता है कि अरे इस समय भाषा का बड़ा फिसलन हुआ, ऐसा नहीं होता, वो समाज जिस पद्धति से बदलता है होता रहता है। क्या इसी देश में मौत का सौदागर जैसी भाषा का उपयोग नहीं हुआ था? और किन्होंने किया था? बीजेपी की मेंबर नहीं थी प्रज्ञा सिंह जी, उनको आप लेकर आए, इसके पीछे क्या पार्टी का मंतव्य पूरे हिंदुस्तान में वोटों का पोलराइजेशन कराना है कि आप हिंदू मुस्लिम को अलग कर, क्योंकि वो हार्डकोर हिंदुवादी नेता है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, ध्रुवीकरण तब होता है जब वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेली जाती है, इसलिए ध्रुवीकरण अगर हो रहा है तो वो वोट बैंक की राजनीति करने वालों के कारण हो रहा है। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देना, एक तो हमारी पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है और एक विचारधारा आंदोलन का हिस्सा भी है, और इसलिए पार्टी की मेंबरशिप
ये एक महत्वपूर्ण है, मगर विचारधारा आंदोलन से जुड़े लोग भी तो हमारे पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ चुके हैं हिस्ट्री में, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात है कि साध्वी प्रज्ञा क्यों, तो मैं तो दूसरा कहूंगा कि साध्वी प्रज्ञा क्यों नहीं लड़ना चाहिए। अगर वोट बैंक की राजनीति को परास्त करना है तो उस संघर्ष का प्रतीक बनी साध्वी प्रज्ञा ने चुनाव लड़ना एकदम सार्थक है। हमने महिलाओं के बारे में कई वर्षों से मतलब ये विषय चलता रहा, संविधान में आया, हमने तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए एक कानून लाया उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया, दो बार विरोध किया, राज्यसभा में विरोध किया। तो महिलाओं का पक्ष रखने के लिए, उनकी पीड़ा को, वेदना को, अत्याचार अन्याय ग्रसित महिलाओं के और विचारों को स्वर देने के लिए प्रज्ञा ठाकुर जी ने क्यों नहीं लोकसभा में जाना चाहिए। फिर भोपाल की बात, भोपाल के साथ उनका पुराना संबंध है, वो भोपाल में पढ़ी लिखी है, यहाँ उन्होंने अपनी छात्र जीवन के सारे समय को यहीं पर गुजारा है, और एक दृष्टि से मैं अगर कहूँ तो ये जो सुंदर भोपाल बना है, जो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने बहुत मेहनत करके बनाया है, चाहे पटवा जी हो, बाबूलाल जी हो, उमा जी हो, शिवराज जी हो, इसी परंपरा को आगे ले जाने के लिए अभी साध्वी प्रज्ञा चुनाव में उतरी है। एक दृष्टि से वो भोपाल के भविष्य का प्रतीक है, उनके सामने जो उम्मीदवार है वो भोपाल के अतीत का हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से उनके उतरने के बाद ही जिस तरीके के स्टेटमेंट आए, चाहे हेमंत करकरे के इशू पर पार्टी को तो स्टेटमेंट अपना जारी करना पड़ा उसको लेकर, फिर बाबरी मस्जिद पर हुआ और आखिरकार उनको बैन करा 72 घंटे के लिए, आपको नहीं लगता कि गंभीर राजनीति में जो नया व्यक्ति होता है उससे तो थोड़ी गलतियां होगी ना, और पार्टी ने तो अपनी भूमिका स्पष्ट की, एकाध व्यक्ति के नएपन के कारण कुछ गलती होती है तो वो समझना चाहिए। उन्होंने भी उस गलती को स्वीकार किया है, अपना एक स्टेटमेंट उन्होंने पीछे भी लिया है। मैं नहीं मानता कि इसको कोई बड़ा विषय मानना चाहिए। अभी 3-3 दिन का, 2-2 दिन का, 1-1 दिन का बैन लगे, ऐसे तो कई नेता है। चलिए, जहाँ से बात शुरू की थी आखिरी सवाल ठीक वहीं पर करूँगा कि आपने कहा था कि बड़े नंबर के साथ में बीजेपी के अंदर सरकार बनाएगी, आपका जो आधार है बीजेपी का वो हिंदी भाषी राज्य है, और आप गुजरात राजस्थान में पूरे पर हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आप अपने मैक्सिमम पर हैं, छत्तीसगढ़ में भी, तो अब आपको तो यहाँ से तो उसके ऊपर आप जाने की गुंजाइश नजर नहीं आती, ऐसे में आप कैसे नंबर लेके आएंगे, ये थोड़ा सा सोचने की। देखिए, पार्टी में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दूरदर्शिता और नियोजन पूर्ण कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, एक रणनीतिकार तो वो है ही है। उन्होंने आज से 4 साल पहले ही कहा था 2015 में कि हमें, जिनको वो अपनी भाषा में कारोमांडेल राज्य बोलते हैं, इन राज्यों में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें उड़ीसा है, बंगाल है, तमिलनाडु है, आंध्र तेलंगाना है जी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर जिन राज्यों में हमारा एक दृष्टि से संपूर्ण जनाधार हमी ने पाया है और एक मैक्सिमम लेवल तक हम पहुंच गए हैं, उनमें मान लीजिए कुछ कमी आती भी है तो उसकी पूर्ति करने के लिए उड़ीसा और बंगाल की जनता और यहाँ तक के पूर्वांचल में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी हमें अच्छी सफलता मिलने वाली है, और हमारा समीकरण बहुमत से सत्ता में आने लायक बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धि जी पत्रिका के साथ जुड़े, और जैसे कि उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, अब उम्मीद है 23 मई का इंतजार है जब परिणाम आएंगे।